हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का बर्थडे है आज, तो मैं जा रही हूँ मथुरा वृंदावन की तरफ और उनका बर्थडे मनाते हैं। चलिए चलते हैं, वहाँ की तैयारियाँ देखते हैं कैसे आज सेलिब्रेशन होने वाला है। तो चलिए आप भी मेरे साथ और देखते हैं वहाँ पे कितने धूमधाम से उनका बर्थडे मना रहे हैं वो लोग और हम भी उसका पार्ट बनेंगे। आइए। अमित, अमित यार उठना यार, गाड़ी कुछ आवाज़ आ रही है, डग 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 ऐसे आवाज़ आ रही है। एक बार देखियो प्लीज़, पंचर चेक करियो। साइड में लगा, साइड में ही है यार। 10 मिनट सोया यार, प्लीज़ यार, मुझे लग रहा है पंचर हो गया शायद। ठीक है, जा रहा हूँ। जा क्या हुआ? पंचर हो गया? कितनी खुश होती है। मेरे को आता है बदलना, मैं करती हूँ। ठीक है, तू परेशान हुआ तो मैं कर दूंगी। आजा तू अंदर बैठ जा, साइड में ही है, कुछ नहीं होता। कुछ है इसमें, कुछ जैक में? हाँ हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। मैंने कभी यूज नहीं किया, आज करेंगे उसे यूज। मैं होती हूँ। अरे यार ये सब चीज़ें मुझे यूज़ करनी, चल आ जा। ये क्या है? ये क्या है? ये किट है। अरे तो इन्फ्लेटर को छोड़ना, हम टायर ही पूरा चेंज कर देते हैं ना। ये क्या है यार, तू छोड़ दे सब चीज़ें। चलो मेरे वो तैयार हो चुके हैं औजार। मेरा वजन कम पड़ रहा है। और अबे ज्यादा खाना पड़ेगा मुझे। यार तुझे पता है वॉल्वो ना क्लेम करती है इनके टायर पंचर नहीं होते, और ये देखो पंचर हो चुका है। अरे यार इसका ना वो नहीं मिला मुझे आगे का, तो मैंने ये एक टेम्प्ररी जुगाड़ बना लिया, इससे भी हो जाएगा। यार ये पेट्रोल पंप के पास पंचर होता तो कितना अच्छा होता ना। यार मुझे बड़े पसीने आ गए हैं। आ गया तेरा टायर। यार तेरे को टायर भी आता बदलना? और क्या, गाड़ी सिर्फ चलाओगे चलाओगे क्या? पंचर भी तो हो सकती है। नो कुछ नहीं जोड़ेंगे। वैसे बंदी को देख के सब लोग बड़ी हेल्प के लिए आ जाते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन ठीक है यार, खुद भी कर लेना चाहिए। इसमें कुछ घुस गया मुझे लग रहा है। चला 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 चला। हट गया ये टायर, हटाया ये। हाँ जान बच गई। फाइनली पंचर लगा चुकी हूँ मैं, अब वो लास्ट वाला एक रह गया मेरा पंच, जिसमें मैं इसको लगा के और इसके ऊपर चढ़ चढ़ के अपना वजन दूंगी। अच्छा अमित वो वाला पार्ट तू करे, मेरे में वजन नहीं है यार। ठीक है चलो यार, फाइनली लग गया पंचर और अब हम जा रहे हैं भागम भाग मथुरा की तरफ। मैं
बड़ी खुश होती हूँ फालतू की चीज़ों में ना, पंचर हो जाए, ये हो जाए, यार गाड़ी फिर से हिल रही है। नहीं नहीं पंचर नहीं हो, वैसे हिल रही है। बम्प है रोड पे। गाड़ी निकलेगी आगे से? नहीं, अरे नहीं निकलेगी सच में। अरे बैग लगा ली यार। अबे भुक्कड़ एक एक करके खा ले, गिर रहे हैं, खा एक मुंह में एक हाथ में। मैं नहीं छीन रहा तेरे से। यार भूखी नियत इसी को कहा जाता है। दिखाऊंगी मैं तुझे अपनी भूखी नियत। अकेली खा ले, मैं नहीं छीन रहा तेरे से। अरे देख छीना किसने है ना, इसलिए मेरी ऐसी भूखी नियत कर रखी है तूने। ऐसा सुना है एक्शन पे रिएक्शन। सुना है क्या? मैंने वो सुना शोने पे सुहागा। शोने पे सुहागा। मेरा ना एक कज़न है, वो ना हमेशा श को स कहता है, बादशाह शाम हो गई। एक दिन उसको सिखा रही थी कि भाई तू खुशकी बोल, तो वो लगा पड़ा है खुशकी खुशकी। भाई खुशकी बोल, खुशकी। तो उसने फाइनली बहुत सारे 20-25 अटेम्प्ट के बाद खुशकी बोल दिया। तो मैंने कहा बस, कहता बस। मैंने कहा अबे अब तेरे को सर सिखाया तो तू शह भूल गया, अद्धी हो गई यार तेरी। जॉक सुना दे। जॉक नहीं आता मुझे, कोई जॉक नहीं आता। तेरी एक फ्रेंड है, वो कोल्ड ड्रिंक को ऐसे बोलती है, अगर मान लो तुझसे पूछ रही है तो भाई कोल्ड ड्रिंक्स पिएगो। यार मुझसे सब पूछता है कि मैं इतना खाती हूँ। मैं मतलब इतना खाती हूँ और मोटी क्यों नहीं होती? भाई मैं अच्छी खासी मोटी हूँ, तुम लोगों को दिखाने के चक्कर में भी खा लेती हूँ मैं कि चलो कुछ खाते हैं। वर्कआउट भी कर लेती हूँ, मगर अभी नहीं कर रही थी, बट अब फिर से स्टार्ट करूँगी। अरे आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी ड्रेसेस के ऊपर व्लॉग बनाना चाहिए। यार कोई बंदी पूछती तो मुझे समझ आता। आप क्या करोगे? बट हाँ यार, मैं ना एक प्लान कर रही हूँ, नॉट ओवर ड्रेसेस का तो खैर मैं क्या ही बताऊँ, हर बंदे को शौक होता है अच्छे से आप ड्रेसअप हो के रहते हो, मुझे शौक है बचपन से, वो चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, मेरे को फिटनेस और ब्यूटी, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं कि ना हर दोनों जेंडर्स के लिए। मेरा एक मेन फंडा है कि मुझे ना जेंडर समझ नहीं आता यार, कि लड़का है लड़की है, लड़के ये कर देंगे लड़कियाँ वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हर काम हर कोई कर पाता है। और एक होता है इंस्पिरेशन, कि हमें इंस्पायर्ड रहना चाहिए लाइफ में, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन हर टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आई एम प्लानिंग कि मैं एक चैनल बनाऊँ जिसमें हम लोग बात करेंगे फिटनेस की, ब्यूटी की और इंस्पिरेशन की। आप मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं, मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगी, बहुत चीज़ें शेयर करूंगी आपसे, लेकिन उसके लिए एक अलग चैनल बनाएंगे और उसमें ये सब करेंगे। कब बनाऊंगी वो मुझे भी पता नहीं है यार, थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, थोड़ा बिज़ी रहती हूँ मैं, तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो एक और चैनल पर वर्क करते हैं। और आप लोग भी मुझे सजेशंस दीजिएगा। तो भी कर दिया उस पर बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन में तो मर जाओगे आप लोग हंस हंस के। उस चैनल का नाम इज़ FBI, ठीक है, फैशन ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता थोड़ा टशनीजा नाम रखा है हमने, लेकिन हमारा थोड़ा सा लाइटर साइड पे है, स्वीट सा चैनल बनाते हैं एक। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अभी सीधा गोवर्धन, और वहाँ पे पहले परिक्रमा करेंगे, रिक्शे में करेंगे, पैदल तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, तो रिक्शे में करेंगे परिक्रमा, दोनों परिक्रमा हो जाएगी, और उसके बाद वहाँ पे दूध चढ़ा के और फिर आएंगे गोवर्धन से हम लोग वृंदावन में, वहाँ पे दर्शन करेंगे बाकी बिहारी के, और उसके बाद 12 बजे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके और फिर देखते हैं क्या देखेंगे वैसे वापस आने। चलो यार पहले कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, हल्का फुल्का नहीं मेन लंच कर लेते हैं, बच गए हैं 4 और खा के और फिर आगे चलेंगे, ठीक है? चलिए। वो खाए वेज बिरयानी और रायता, मिक्स प्याज वाला है?
यार ढाबे का जो खाना होता है ना, इसका अलग ही टेस्ट होता है। इतना यम लगता है ना मुझे, किसी फाइव स्टार के खाने से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो एकदम फीके पकवान है और यहाँ पर रियल टेस्ट होता है। देखिए मैंने क्या क्या मंगाया है। ये है मेरे पुलाव, इतना मस्त टेस्ट है ना। ये मेरा बूंदी रायता है, और ये मेरी मिक्स वेज। यार हमने एंटर कर लिया वृंदावन, हम गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। बाय गॉड इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी भीड़ है कि बस पूछिए मत।